यादव, आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 9 है, आप देख रहे हैं। इसमें हम आपको त्रिकोणमिति बता रहे थे, तो अभी आपका त्रिकोणमिति ही चलेगा। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो क्लास 10th के लिए होगा, वो भी मैथ के लिए। NCERT का सब क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको एक इसके पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर 8 में हम आपको ट्रिक बताए थे कि ASTC मतलब दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कोण जो होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है दोस्तों। सभी कोण जो होंगे या सभी एंगल जो होंगे पॉजिटिव होंगे। और S से क्या होगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में आप जाएंगे तो क्या होगा, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। और T यानी थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो उसमें टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है दोस्तों। अब C आ गया, C से क्या होगा, कॉस और सेक, ठीक है दोस्तों। C से आप लेंगे कॉस और सेक, ये कॉस और सेक किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम कुछ बातें और कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो देखेंगे आप 19 और 270 डिग्री में आपका नाम जो होगा चेंज होगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का टैन होगा, टैन का कोटेक होगा, कॉट का सेक और सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस ये आपने आपके पूरक हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे पूरक की बातें भी देख लेते हैं। पूरक की बातें क्या हैं, साइन और साइन का पूरक है कॉस और कॉस का पूरक है साइन, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब साइन का पूरक कौन है, कॉस है, और कॉस का पूरक कौन है, साइन है, ठीक है। और वही बातें टैन का देखेंगे, टैन का पूरक कौन है, कॉट है, और कॉट का पूरक कौन है, टैन है, ठीक है। सेक का कोसेक है, कोसेक का सेक है। तो बातें आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, लेक्चर आपका लंबा हो जाता है तो आप स्किप करके देखना चालू कर देते हैं, तो बाद में आप कहते हैं कि लेक्चर सही नहीं है, ऐसा वैसा आप बताते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ों को बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपका देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोण 90 माइनस थीटा तथा 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, यानी 90 माइनस थीटा में जब आप देखेंगे, किसमें आप देखेंगे, क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो 90 माइनस थीटा, ठीक है दोस्तों। ये 90 माइनस थीटा यानी ये पहले वाले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में हम आपको बताए थे ऑल पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं कि 90 और 270 में नाम चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। साइन का हो जाएगा कॉस, 90 माइनस थीटा साइन, 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा दोस्तों। और थोड़ा सोच देखने वाली बात ये है कि इसमें तो आपका ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ तो आपको बता दिया कि ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है दोस्तों। यानी 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, यानी 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है दोस्तों। प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण जो है पॉजिटिव है, ठीक है। आइए 90 प्लस थीटा में देखेंगे, अगर प्लस में जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, प्लस में हमने आपको बताया था अगर 90 से आगे जाएंगे, ठीक है, प्लस का मतलब आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा प्लस में होगा, पीछे जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो 90 प्लस में जाएंगे तो हम आपको बताए थे कि द्वितीय चतुर्थांश आ गया, ठीक है दोस्तों। द्वितीय चतुर्थांश में हम आपको बताए थे साइन और साइन का भाई जो है कोसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यानी एक घर में केवल दो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, किसमें, 90 प्लस थीटा में, ठीक है दोस्तों। 90 प्लस थीटा में दो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कौन कौन, साइन और साइन का भाई, भाई मतलब कोसेक है, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा और कोसेक 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बातें भी ऐसे ही मजे से पढ़ते रहेंगे और सारी चीजें समझते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं यहाँ भी, यहाँ की चीजें क्या है कि कोण 180 माइनस थीटा तथा 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात क्या है दोस्तों, आपको दिखाऊंगा मैं, और बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा दोस्तों, आपको बहुत ही सिंपल में बताऊंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए 90 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये सब दिए हैं, ये 180 माइनस थीटा के है, ये 180 प्लस थीटा का, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे अगर 180 माइनस थीटा यानी माइनस 180 माइनस थीटा यानी पीछे जाएंगे, तो पीछे की बातें हमने आपको बताई है कि देखिए दोस्तों, अगर ये कोई चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, इधर से चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर इधर से लौटेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, ये कोई चतुर्थांश है, ये देखिए अगर इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव हैं, अगर यही चीज़ें आप फिर से इधर वापस आ रहे हैं तो आप निगेटिव हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 180 माइनस थीटा में जाएंगे, तो माइनस थीटा माने कि हमारा कि द्वितीय चतुर्थांश में हम आपको बताए हैं कि साइन और साइन का भाई ही कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा, बाकी सारे मेंबर्स उसके क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, तो साइन का भाई कौन होता है, कोसेक होता है, ये दोनों आपके इसमें हो जाएंगे पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। ठीक है दोस्तों, आइए 180 प्लस थीटा में, यानी अब देखिए जो हमारा ये हम अभी चतुर्थांश बनाए, अब ये तो इधर जा रहा था तो माइनस, अब इधर आएगा तो यानी 180 यहाँ था, कुछ 180 अंश यहाँ था, यहाँ से अब आप इधर आएंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इधर आएंगे तो पॉजिटिव होगा। अब आइए देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, यानी अगर 180 प्लस थीटा में हम आपको बताए हैं कि इधर तृतीय चतुर्थांश में केवल टैन और टैन का भाई कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक है, तो टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें इतनी ही बातें ध्यान रखनी है, बाकी सब चीजें को आप निगेटिव कर देंगे। ठीक है, अब कोण 270 माइनस थीटा तथा 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो दोस्तों, इस तरफ है आपका 270 माइनस थीटा और इस तरफ है 270 प्लस थीटा, तो इसमें भी आप देख सकते हैं अगर 270 माइनस थीटा की बात किया जाए तो चतुर्थांश आप घड़ी के सुई से उल्टा चलेंगे। देखिए सुई ऐसे चलती है दोस्तों, सुई कुछ ऐसे चलती है, लेकिन आप चलना किधर से, ऐसे चलना है। ठीक है, तो उल्टा जब चलेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और सीधा चलेंगे तो प्लस होगा। देखिए 270 माइनस थीटा में जाएंगे आप तो कौन सा चतुर्थांश, दोस्तों आपको हम बताए हैं कि यह कौन सा चतुर्थांश होगा, यह आपका तृतीय चतुर्थांश होगा। दोस्तों अब बात आ गई 270 की, तो 270 में दोस्तों हम आपको बताए थे कि जो होते हैं पूरक होते हैं वो चेंज होते हैं, 270 और 90 में चेंज होते हैं, साइन कॉस, कॉस का टैन, सेक का कोसेक। ठीक है दोस्तों, तो आइए साइन 270 माइनस थीटा में आप देखेंगे तो माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बताए हैं कि टैन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होंगे, टैन और कॉट। ठीक है, तो वही बातें फिर यहाँ भी हैं, अगर आप प्लस में जाएंगे तो प्लस में हम आपको बताए थे दोस्तों कि अगर प्लस में जाएंगे तो 270 किधर होगा, यानी हमारे कहने का मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका कॉस और सेक, कॉस का भाई जो है वो सेक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा रिपोर्ट सभी निगेटिव आ जाएगा। कहने की बातें ये हैं कि दोस्तों इसमें हमारा जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी मेंबर हमारे निगेटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे की बातें करते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि कोण 370 माइनस थीटा तथा 360 माइनस थीटा तथा 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा भैया, तो आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। तो इसमें भी आप माइनस और प्लस, ठीक है दोस्तों, घड़ी की अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया, घड़ी ले लीजिए और एक सीधी वाली सुई जो चलती है वो प्लस चलती है और जो उल्टी चलती है निगेटिव चलती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, यानी जब माइनस आ जाए तो हमें चतुर्थांश में उल्टा चलना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलना है, ऐसे ना कि ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर आप ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर ऐसे चलेंगे आप तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए साइन 360 माइनस थीटा यानी कौन से चतुर्थांश में है, ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ चतुर्थांश में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक। कहने की बात ये है दोस्तों कि एक मेंबर है उसमें कुछ छह लोग रहते हैं, छह लोगों में से भाई आपको बता दूं कि उसमें दो लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए और बाकी सब तो निगेटिव आ गए। तो दोस्तों आपको समझना ये है कि जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें कॉस और कास का भाई दोनों पॉजिटिव आ गए हैं। बहुत ही दुखद बात है कि दो पूरे छह मेंबर में आपको केवल दो लोग ही कोरोना पॉजिटिव आए हैं और दो और बाकी चार निगेटिव आ गए। ठीक है दोस्तों, तो आइए 360 प्लस में चलते हैं। 360 प्लस में क्या होगा भैया,
कि 360 जो प्लस में होगा ये सभी पॉजिटिव होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे, निगेटिव की बात ही नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, निगेटिव की इसमें बात ही नहीं की जाएगी। फायदा इसमें ये हुआ कि हमारे सभी लोग पॉजिटिव आ गए, हमारे सभी लोग पॉजिटिव आ गए किसमें, प्लस वाले में। ठीक है दोस्तों, प्लस वाले में सभी पॉजिटिव आ गए। लेकिन एक चीज और बचता है, वो क्या है आपको वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, आपका ये सारी चीजें इस लेक्चर में समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होता है, ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक भी कोणों के अनुपात होते हैं, आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे से। तो साइन माइनस थीटा का दोस्तों, अगर कोण कभी माइनस थीटा आ जाता है किसमें, साइन में, तो आप सदैव माइनस साइन ही लेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि जो इस फैमिली के लोग होंगे इसमें भैया कॉस जो होगा वही बस पॉजिटिव होगा, और उसका भाई कौन है, सेक है। ठीक है दोस्तों, उसका भाई कौन है, सेक है। ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी माइनस थीटा में सभी निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कॉस और सेक को आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतनी चीजें तो हम आपको बता दिए, अब आगे की बातें हम आपको बताएंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से कि भैया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है आपका यही क्वेश्चन है, टेन 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो वो पूरक दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, पूरक तो दिया रहेगा, अगर यहाँ टेन है तो यहाँ काट होगा, यहाँ काट है तो यहाँ जरूर टेन होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ कास जरूर होगा, अगर कास है तो यहाँ साइन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं हम इसमें। तो बात क्या करना है इसमें, कर दीजिए आप क्या कि किसी में आप 90+ थीटा या 90-थीटा करके अगर दोनों बराबर कर ले रहे हैं आप, तो आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चलिए करिए। ठीक है, तो टेन 65 डिग्री बटे, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों टेन 90-25। ठीक है दोस्तों, टेन 90-25 करेंगे तो दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों यहाँ पे टेन नहीं करेंगे क्योंकि चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो कॉट 65 माइनस कॉट 90-65 डिग्री कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा बात बन जाएगी और हमें कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कॉट 90-थीटा बात किया है यहाँ पे, 90-थीटा। तो दोस्तों 90-थीटा हम आपको बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश में सभी लोग पॉजिटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, सभी लोग क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो कॉट का क्या हो जाएगा, बस आपको बताया था कि 90 और 270 में क्या होगा कि लोग चेंज होंगे। ठीक है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। तो 90-थीटा क्या हो जाएगा कि टेन कॉट का तो क्या होगा, cot 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, tan 65 डिग्री क्यों, क्योंकि हम आपको बताए थे कि कॉट 90-थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 65 है, तो ये कट गया। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक नंबर के जरूर जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin 20 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री का मान क्या होगा, या मान बताइए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2015 में आया है दोस्तों, आपका 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, देखने का मतलब हमारा ये है कि क्वेश्चन के टाइप को आप समझिए तो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, आपके एग्जाम में कुछ भी आए आप उसे हल कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं, इसको क्या कर दीजिए आप, साइन 90 माइनस कितना कर देंगे, तो आप 20 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, साइन 90-70 करेंगे। ठीक है, अगर 90 में से 70 निकाल देंगे तो 20 ही तो आएगा। ठीक है, वही चीज़ करना है दोस्तों, तो बटे में जो है नीचे उसे कर दीजिए, cos 70 है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बताए थे, एक फार्मूला बताए थे कि साइन 90-थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो भैया आप बताएंगे कि सर प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस कितना, थीटा, थीटा कितना है, 70 है।
तो जो नीचे है उसे भी लिख लीजिए, तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।